जाते हो, प्राइवेट स्कूलों में आप लोग हम लोगों को नौकरी लगाना नहीं जाते हो, क्यों? क्या हम बच्चों माँ बाप की संतान नहीं है? सिर्फ इसलिए कि हम लोग विकलांग हैं। क्या हो गया? तू बातें कर रहा है नागराज, देख नहीं रहा मार भी तुझे। कोई किसानों के लिए आ जाता है, कोई किसी के लिए आ जाता है, पर क्यों हमारे लिए नहीं आते? क्यों? सब इसलिए कि हम विकलांग हैं। या तो फिर एक ऐसी ऐसी योजना बनाओ कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा कुछ कदम ही न दे। से आई है अपने हर विधायक, हर एमएलए के पास, हर स्कूल तक के केयू में कोई ये नहीं कहता आप कैसे पढ़ाओगे, आप कैसे पढ़ाओगे। मन में उद्गार है, मैं ट्यूशन चला के अपना काम चलाती हूँ, अचानक से लेट निकली है। क्यों? जब एक बार आपकी तरफ वजह से पढ़ी तब भी तो आपने पढ़ाई, आज क्यों नहीं? सिर्फ इसीलिए क्योंकि आज हम जा रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहना बहुत आसान है। एक क्लैपिंग, हमारी गैल क्यूटा फॉर द लेडी। वो कहीं स्पीच दे रहे थे, जब अजान हो जाती है वो रुक जाते हैं, तो हम तो जिंदा इंसान है, उस अजान से ज्यादा हम भी किसी के बच्चे हैं। क्या हमारे पायलट का ये हक नहीं? हमारे एमएलए से मैं ये भी नहीं कह सकती कि हमारी मदद करो, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं विकलांग हूँ? हमेशा से झुकते आई हूँ, झुकती रहूंगी। पूछो उन माँ बाप से जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, कहाँ चले जाते हैं वो विधायक? अब तो शर्म करो, निकलो बाहर घरों से। नहीं मत निकलो, मैं फिर भी ये कहूंगी बताओ आप लोग। शर्म नहीं आती ये? और मुझे पूरा यकीन है पायलट साहब पे, जो इंसान अजान के अजान पे रुक सकते हैं उसके लिए तो मैं जिंदा हूँ। और सब लोग लाइट चलाओ ब्रो, शर्म नहीं आ रही। वेरी गुड, लाइट चलाओ सर, खाना सर बोलो लोगों से। लोकतंत्र में भीड़ की होती है तो लोकतंत्र में ये भी होता है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन, उसी जनता की मैं भी एक हूँ। वेरी गुड, आंसू को नहीं रोक पा रही है। या तो एक ऐसा रूल बनाओ कि हम लोगों को मार दे, ज्यादा बेटर है। गलती नहीं है, मैंने तो कोई गवर्नमेंट जॉब की भी हक नहीं मांगा। आप बोलते हो खड़े हो जाते हैं। आज से थोड़े दिन पहले सरकार जा रही है और देखो ये मैडम बगेरा से आई हैं और बहुत परेशान हैं। ये अचानक डेट घोषित करने की वजह से जिस एमएलए को फोन करो देता है, जिस विधायक को फोन करो कार देता है, क्यों? नवम्बर में डेट घोषित कर दी गई है, इन मैडम को पता नहीं है इनके बच्चे हैं, इनके ये अपने परिवार बच्चे गरीब माँ बाप हैं इनके, मैडम के इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, ये अपना जीवन यापन अपनी थोड़ा सा काम धंधा करती है। किसका नाम सुनना चाहते हो कि किसने मुझे मना किया है? हर विधायक ने मना किया है। जो मैं चल नहीं सकती, जानती हूँ ना मैं किसी बड़े विधायक की बेटी हूँ ना किसी की बेटी हूँ, मेरे फादर नहीं है। मैं सरकार से यही कहूंगी, मुझे पूरा यकीन है पायलट साहब पर, पूरा अपने आप से भी ज्यादा कि वो आएंगे और मेरी मदद करेंगे, चाहे किसी ने भी मुझे मना किया हो। जो इंसान अजान पर रुक सकता है वो एक जीते जाते इंसान के लिए तो जरूर आएगा। और मुझे प्रताप सिंह खाचरिया वास्पी जी भी मैंने स्पीच देखी है, वो भी जब किसी इंसान को लग रही थी तो उसकी मदद कर रहे थे और आज वो